समर सिंह को आपत्ति थी कि तू दूसरे के साथ मत काम कर, मेरे साथ काम कर। समर सिंह आकांक्षा दुबे जैसे शादी करल चाहत रहन, क्या कारण रहे ऐसा आपको कुछ पता बा? समर सिंह आकांक्षा दुबे के हाथाबाही या कही कि मारपीट होत रहे शराब के नशा में चाहे जो कुछ भी, मतलब मार के इसको उधर बेड पे बैठा के एक फंदा जैसा बोलते हैं ना, एक ही बहाना। अभी भी फोटोज में भी आपको दिखा दूंगा ना, खाली एक ही बहाना है। कोई भी फांसी लगाएगा तो एक गांठ नहीं मारेगा, एक गांठ खुल जाता है। एक गांठ कभी भी खुल जाएगा, वो एक ही गांठ मारा है। और बिचारी एक पैर ऊपर रखी, एक पैर नीचे रखी। बने की हम आकांक्षा दुबे जी के घर पे मौजूद बनी और वहाँ के भाई हमारे साथ मौजूद बन, जानम जाए कि घटना का भल रहे और इनकर आरोप के करा पर शक बा, के करा पर शंका बा, और भोजपुरी इंडस्ट्री के जहाँ तक बात होला, एकता के बात होला कि भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अपन कलाकार के सपोर्ट करे ले, तो आकांक्षा दुबे के कौन कौन स्टार से कतना कतना सपोर्ट मिलता, क्या कि एगो लड़की के साथ साथ एगो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार के बात बा, उ कलाकार के बात बा जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अपन करियर बनावे के सोच रहा बड़ी जा। कैसे मन भैया अभी अभी आप ठीक है, नॉर्मल है? ठीक है। अच्छा ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री से कितना आपके सपोर्ट मिल रहा है? अभी तो हमें तो अभी कुछ सपोर्ट नहीं मिला है। अभी आज आए थे अक्षरा जी। अक्षरा जी, हाँ। अक्षरा जी को भोजपुरी के शेरनी भी कहल जाला, तो अक्षरा जी आपके आगे क्या सहानुभूति देनी है, क्या कुछ कहनी है? बोली माता जी आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं जी। आप ऐसा सोचिए मत कि आपके साथ कोई नहीं, आपकी ये बेटी खड़ी है आपके साथ, ऐसा टेंशन मत लीजिए आप। एक दिन पहले अक्षरा आकांक्षा तो एक बारे में कुछ कर लिया आकांक्षा? ये चीज़ जो आप बोल रहे ट्वीट वाला, जो मैसेज वाला, ये मैसेज वाला तो आज मुझे अक्षरा दी ने मुझे बताया कि मुझे आकांक्षा ने मैसेज भी किया था। मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है। तो ये जो ट्वीट वाला है ये तो मुझे नहीं मालूम, जो 25 तारीख की जो बात है, सुबह सुबह कॉल की थी, मतलब दोपहर के टाइम हमारे पास, मतलब मेरी वाइफ के मोबाइल पे वीडियो कॉल बात की थी, मतलब मेरे बाबू से उसको बहुत ज़्यादा प्यार था, मेरा जो बच्चा है उससे ज़्यादा प्यार था। तो उससे मतलब वीडियो कॉल पे बातचीत, हंसी, मतलब खेलना कूदना, ये सब बातचीत हुआ। मैं भी बोली कि अगर दूध का पैसा वैसा चाहिए रहेगा मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ, जाके तुम लोग दूध ले लेना बाबू के लिए, और कुछ चाहिए रहेगा तो वो भी बता देना। तो मेरी वाइफ बोली नहीं दीदी अभी सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। क्या अक्षर आकांक्षा दुबे जी कई दिनों से या कई सालों से डिप्रेशन में रही या कोनो परेशानी रहे उनका? डिप्रेशन में तो 25 तारीख को ही हुआ, जिस समय कांड हुआ है 25 तारीख को, इतना डिप्रेशन उसको हो गया, जितना इतना डिप्रेशन हुआ कि ना कि मुझे आपके संभाल नहीं पाए। और प्लस वो फांसी लगाई नहीं है, बेड पे बैठी है उसको। जब हम लोग उधर गए पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम हुआ, जब बॉडी हमारे पास आई, फांसी लगाने वाले के इंसान में गले के निशान आ जाता है, लेकिन वो सब चीज़ निशान दिखाई नहीं गले पे, तो हम कैसे माने फांसी है? जब शख्स बेड पे बैठा हुआ है वो कैसे फांसी लगा सकता है? तो आपके केकरा पे आरोप बा, केकरा पे शक बा कि ये आदमी ये काम कैले हुई? 21 तारीख को मेरी बहन को फोन आया था, संजय सिंह का जी, समर सिंह के भाई, समर सिंह का भाई संजय सिंह, उसका फोन आया था, धमकी उमकी दिया था, यही धमकी दिया था। मेरी बहन ने व्हाट्सएप पे उसको मैसेज किया, उसने स्टेटस डाला था, गाड़ी न्यू कार लिया था, तो उसने ये बोला दूसरे की कमाई पे जी खा रो ऐस कर लो। तो उतने पे संजय सिंह ने फ़ोन किया, मतलब मेरी बहन सेट पे थी बस्ती में, फ़ोन किया, गाली गलौज हुआ, मतलब धमकी उमकी दिया। तो मेरी बहन बोली तुमको जो करना रहेगा कर लेना, मैं बनारस आ रही हूँ। अच्छा जो धमकी की बात आप कह रहे बनी, तो क्या ये आपके आकांक्षा दुबे जी बतेले रहे कि हमारे ये आदमी से परेशानी बा, ये आदमी हमारे लगातार धमकी नहीं मिल रहा? नहीं बताई थी उस दिन 21 तारीख को मेरी माता जी को बताई थी कि मम्मी ऐसा ऐसा है इंसान जी मुझे बोल रहा है, तो मम्मी बोली जाके कंप्लेंट कर दे। तो अभी से अपना काम छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकती है। तो 22 तारीख को बनारस आई और 23 तारीख को उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, फिर 24 और 25 उसका छुट्टी था, फिर 25 तारीख को ही दोपहर को फ़ोन हम लोग के पास आया, बातचीत हम लोग किए, मम्मी भी रात को 8 बजे बात होती, फिर उसके बाद 12 बजे फ़ोन लगाई नहीं उठाई, मम्मी सोची कि सो गई रहेगी साइलेंट पे फ़ोन करके। तो फिर उसके बाद मम्मी अपना फ़ोन उठा के चेक करने लगी स्टेटस, तो देखी किसी पार्टी में गई है, तो मम्मी बोली जान दो गई रहेगी पार्टी में। वैसा हम लोग को अभी भी नहीं लग रहा है कि हमारी बहन ऑफ हो गई, अभी भी है ऐसा हम लोग को अभी भी लग रहा है। लेकिन जब दूसरे दिन फ़ोन ओन लगाने लगे तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो मम्मी मेरे पास फ़ोन की, मम्मी बोली कि आकाश फ़ोन लगा के देख आकांक्षा फ़ोन नहीं उठा रही है। तो मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, मैं दूसरे के फ़ोन पे फ़ोन से फ़ोन लगाया, 15-20 कॉल किया, तो सारनाथ थाने से फ़ोन उठाए, कोई पुलिस वाले थे, नाम नहीं बताए मुझे, उठाए, मैं बोला मैं उनका भाई बोल रहा, आप कौन बोल रहे हैं? मेरी बहन से मुझे बात कर रही है। तो वो बोलते हैं कि आपकी बहन ने सुसाइड कर लिया। तो उतने में मेरा दिमाग कुछ काम नहीं किया, मैं चुपचाप मोबाइल वोबाइल जेब में डाला, गाड़ी उठाया, डायरेक्ट अपने फ्लैट पे चले गया, मतलब जहाँ मम्मी उम्मी रहती थी वहाँ गया। तो देखा मम्मी पूरे सब कोई जमावड़ा थे, वही 6:55 का हम लोग ट्रेन पकड़े, फ्लाइट पकड़े
अपना अंधेरी से सांता क्रूज से डायरेक्ट लखनऊ आए, लखनऊ से डायरेक्ट हम लोग फोर व्हीलर से सारनाथ पुलिस थाना आए। उधर हम लोग 3:30 बजे करेक्ट भोर में पहुंच गए। पहुंचने के बाद 10 बजे ACP साहब आए, फिर हम लोग का पूरा मुकदमा जो FIR वगैरह सब लिखे उके शाम को 4 और 4:30 बजे हम लोग चील घर बोलते हैं ना, वीरपुर चील घर में हम लोग उधर गए। पोस्टमार्टम मेरी बहन का हुआ, वही बॉडी निकाले तो हम लोग पहले बोले बॉडी इधर रखो, बॉडी रख के हम देख ले पहले कि हमारी बहन को कुछ निशान उशान तो नहीं। हम लोग देखे तो कोई निशान, गले पे निशान, कुछ निशान नहीं था। आपको लगता है कि ये मर्डर किया गया है? मर्डर करके मतलब मार के इसको उधर बेड पे बैठा के एक फंदा, जैसा बोलते हैं ना एक ही बाना, अभी भी फोटोज में भी आपको दिखा दूंगा ना, खाली एक ही बाना है। कोई भी फांसी लगाएगा तो एक गांठ नहीं मारेगा, एक गांठ खुल जाता है। एक गांठ कभी भी खुल जाएगा, वो एक ही गांठ मारा है। और बिचारी एक पैर ऊपर रखी एक पैर नीचे रखी, वो कैसे ऑफ हो सकती है? आकांक्षा दुबे जी लगातार खेसारी लाल यादव, पवन सिंह जन भोजपुरी के सुपरस्टार बने जा सबसे बड़ा, उनका ऐसा लगातार काम करत रही जा, तो का उनका केहू के आपत्ति रहे कि पवन सिंह के साथ काम करत रही या खेसारी लाल यादव के साथ काम करते रही? ये समर सिंह को आपत्ति थी कि तू दूसरे के साथ मत काम कर, मेरे साथ काम कर। का समर सिंह आकांक्षा दुबे जैसे शादी करल चाहत रहन, का कारण रहे ऐसा? आपको कुछ पता बा? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं जी। कुछ अभी सुनने में आता कि पैसा के कुछ पैसा बाकी रहे 2-3 करोड़ रुपया। हाँ, वो जितना भी एल्बम किए सब कुछ किए, उसका 1 रुपया नहीं मिला है। और जब भी पैसा मांगने जाओ तो गाली गलौज, झगड़ा, मारपीट ये सब करता था दारू पीने के बाद। का समर सिंह आकांक्षा दुबे के हाथाबाही या कही कि मारपीट होत रहे शराब के नशा में चाहे जो कुछ भी? नहीं, एक बार हुआ था तो मम्मी को बताई थी कि उसको इधर लगा था तो बोल रही थी कि वो घर, उसके घर में आग लग गया था इसके लिए इधर लाल पड़ गया है, लेकिन हालांकि उसने ही मारा था। ये बताएं भैया कि जो पुलिसिया जाँच हो रहा बा उससे आप संतुष्ट बानी का आपके लगा था कि न्याय मिल जाएगी? 5 दिन हो गया अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, ना हम लोग को PM रिपोर्ट मिला है, ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला है, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ है। UP सरकार में कहा जला बुलडोजर बाबा, उनसे आपके क्या उम्मीद बा, क्या लगा था कि आपके? वो हमको न्याय दिला देंगे, वो हमको न्याय दिला देंगे। अगर हम उनके पास जाएंगे, अगर वो न्यूज़ भी देख रहे होंगे तो हमको न्याय दिला सकते हैं। यूपी पुलिस पे और BJP सरकार पे, योगी बाबा पे आपके पूर्ण विश्वास बा? मुझे यूपी पुलिस के ऊपर तो अभी धीरे धीरे भरोसा उठते जा रहा है, क्योंकि 5 दिन हो गया अभी तक तो कुछ किए नहीं है। अभी खाली एक उम्मीद है योगी बाबा, अब उनका ही सपोर्ट है, अगर वो हमारा सपोर्ट कर देंगे तो बहुत बहुत आभारी रहूँगा। अच्छा एक सवाल भैया बहुत अहम हो जाता है कि जोन भोजपुरी इंडस्ट्री में आकांक्षा दुबे शुरू से एक नॉर्मल घर के लड़की रही, इतना आप में स्टारडम खड़ा कर ली, इतना ज़्यादा फॉलोवर, इतना ज़्यादा उनका लोग प्यार करे लागल चाहे लागल, तो जो नया घर के लड़की बाड़ी जा जो रील बनावे ली जा उचा ली जा हम एक्ट्रेस बनी एक्टर बनी, उनका खातिर आपके क्या संदेश हो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा प्रताड़ना लड़की के बहुत ज़्यादा करल जा रहा है? उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं अभी? कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में। हम क्या बोले, हम भी यही बोलेंगे कि किसी के झांसे में आके ऐसा करिए ना, अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी लाइफ अपने से जिए, किसी के दबाव में मत आइए। बस मेरा कहना ये है, आपको जो टॉर्चर करे आप बिंदा